नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तूफान स्पोर्ट्स पे। मेरा नाम है पीयूष और अभी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि भाई शायद T20 की बादशाहत जो है वो छीन ली जाए, उनकी कुर्सी जो है नंबर वन की इस समय वो शायद उनसे छीन ली जाए। क्योंकि अगर हम उनके फॉर्म की बात कर ले तो IPL मैचेस में अभी वो मुंबई इंडियंस के साथ खेल रहे हैं और ज़्यादा उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं हो रहा है। 3 मैचेस में कोई रन नहीं बतोरे हैं, पिछले मैच में तो 0 पर भी आउट हुए थे। ODI के फॉर्म की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी वो 0 पर आउट हुए थे। तो यार अभी जो है दो बल्लेबाज जो है वो काफ़ी उनकी नज़र पर बैठे हुए हैं। तो ये जानने के लिए आप हमारी एंड तक हमारी इस रिपोर्ट पर बने रहे हमारे साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ICC की रैंकिंग के अकॉर्डिंग सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर वन पे चल रहे हैं 906 अंकों के साथ। पर वहीं अब दूसरी जगह भाई मोहम्मद रिजवान आ चुके हैं 811 अंकों के साथ और उनके नीचे है बाबर आजम 755 अंकों के साथ। अब यार अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो 14 अप्रैल को देखो उनका होने वाला न्यूजीलैंड दौरा जो होगा T20, तो वहाँ पर जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर उनका प्रदर्शन रहा तो खतरा थोड़ा और बढ़ जाएगा सूर्य कुमार यादव के लिए। क्योंकि जैसा कि यार आप जानते हैं IPL के बाद जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जाना है इंडिया टीम को इंग्लैंड में, तो वो तो देखो आपका टेस्ट मैच हो जाएगा। अब उसके बाद जो है शायद अगर अफगानिस्तान के साथ उनका मैच होगा तो वो कंफर्मेशन नहीं आ रही कि भाई वो ODI होगा या T20 होगा। अगर T20 होगा तभी सूर्य कुमार यादव जो है अपना T20 इंटरनेशनल खेल पाएंगे, वरना ODI तो आप जानते ही, ODI में कौन नंबर वन चल रहा है। उसी के साथ साथ विराट कोहली जो है वो 15वें नंबर पे चल रहे हैं 612 अंकों के साथ। तो यार यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई नंबर वन पे अब कौन आएगा, क्योंकि ज़्यादा अंकों का कोई अंतर नहीं रह गया। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ जो उनका मैच होने वाला है अगर उनके वो दो मैचेस में भी लगातार आप मानकर चले 50 से 100 के बीच रन बनते तो यहाँ पर अंकों का काफ़ी अंतर आ जाएगा। वहीं पर अगर बाबर आजम के भी रन बनते तो मुझे लगता है वो तीसरे से दूसरे नंबर पर आराम से आ ही जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, अगर अफगानिस्तान के साथ T20 का दौरा होता है तो मुझे लगता है वहाँ सूर्य कुमार यादव को चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं चलेंगे तो उनकी बादशाहत छीन ली जाएगी और अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो नंबर वन पे हमारे पाकिस्तानी बैटर आ जाएंगे और नंबर दो पे भी शायद पाकिस्तानी हो सकते हैं अगर सूर्य कुमार यादव नहीं चले। वही दूसरी तरफ बात कर ले वेस्टइंडीज़ दौरे की, वो वेस्टइंडीज़ दौरा तो फिलहाल अभी दूर है, लेकिन अगर वेस्टइंडीज़ दौरे में T20 में सूर्य कुमार यादव की कोई 5 में से 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी तो मुझे लगता है आगे जाकर वो जो है वो भी उन अंकों में जुड़ जाएगी। क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अफगानिस्तान दौरे में T20 फॉर्मेट नहीं होते हैं, ODI होते हैं, तब वहाँ पर जो है शायद पाकिस्तानी हमारे बैटर्स जो है वो लीड कर लेंगे, लेकिन फिर हमारे जो सूर्य कुमार यादव है वो न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज़ दौरे में अपनी लीड बढ़ा लेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि भाई अब जो है इन तीनों के बीच जो तिगड़ी चलने वाली है अंकों की, उसमें नंबर वन कौन पहुंचता है वर्ल्ड कप होने से पहले। और बात कर ले तो वर्ल्ड कप की, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप में अगर सूर्य कुमार यादव नहीं चले तो यहाँ पर जो सूर्य कुमार यादव का फ्यूचर है वो मुझे कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। कमेंट करके आप बताओ यार आपका कौन सा फेवरेट बैट्समैन है जिसको आप नंबर वन T20 में देखना चाहते हैं। वैसे तो मुझे लगता है यार कि चाहे कैसा भी फॉर्म चल रहा हो, चाहे कितनी भी मुश्किलों में हो सूर्य कुमार यादव, लेकिन अभी जो अपना स्काई है वो आसमान छू रहा है। भले ही वो ना चल रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं का सिक्का चलने वाला है। तो मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना।